श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। जैसे कि आज सावन की शिवरात्रि है, आज हमें भारतीय शिवलिंग की निर्माण विधि करना है, पूजा अभिषेक करना है। पूजा सामग्री तो आप सभी को ज्ञात ही है, अभिषेक सामग्री भी आप सभी को पता है। गेहूं के दाने, कमलगट्टे, चावल के दाने, काली मिर्च, धतूरा, बेलपत्र, शमी पत्र, सफ़ेद पुष्प, लाल गुलाब के पुष्प, इस तरीके से जो पूजा सामग्री है वो आप सभी को पता ही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि यदि इन सामग्री में से हमें कुछ सामग्री नहीं मिल पा रही है, जैसे किसी को शमी पत्र नहीं मिल पा रहे हैं या कमल गट्टे नहीं मिल पा रहे हैं, कहीं कहीं गेहूं के दाने किसी को नहीं मिल पा रहे हैं, तो उस जगह पे हम क्या करें, हमारी पूजा महादेव स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे? तो शिव महापुराण कहती है, महादेव सिर्फ भाव देखते हैं, आप किस भाव से समर्पित कर रहे हैं। यदि आपके पास कोई सामग्री नहीं है तो बिल्कुल भी निराश मत होइए, आप उस सामग्री की जगह पे आप एक चावल का दाना समर्पित कर दीजिए। जो भी सामग्री आपके पास नहीं है, जैसे शमी पत्र नहीं है, गुरुजी ने 7 शमी पत्र बताया है लिस्ट में, तो 7 चावल के दाने आप शमी पत्र के भाव से समर्पित कर दीजिए। इसी तरीके से यदि कमल गट्टे किसी को नहीं मिल पा रहे हैं, तो 5 कमल गट्टे बोला है जैसे गुरुजी ने, तो आप उसकी जगह पे 5 चावल के दाने ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए साबुत, और उनको 5 कमल गट्टे के भाव से समर्पित कर दीजिए, महादेव उसे जरूर स्वीकार करेंगे। बस आप अपना मन खुश रखिए, प्रसन्न मन से पूजा अर्चना कीजिए, अभिषेक कीजिए, बिल्कुल भी निराश मत होइए कि यह सामग्री नहीं मिल पाई या कहीं से कुछ ला नहीं पा रहे हैं, तो बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा।